नेताओं को इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहां पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहां पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाली चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने तो यहां पे, आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहां आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वायलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जत्थेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख, 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम युवाओं को आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को दो विशेष अवसर है, गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है, तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके, जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और